गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट जो कि चैप्टर 3 है क्लास 11 केमिस्ट्री का, उसमें आज हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक देखेंगे, ट्रेंड्स इन बैलेंसी। इसमें पीरियड में देखेंगे और ग्रुप में देखेंगे कि बैलेंसी में क्या वेरिएशन होता है अलॉन्ग विद द पीरियड और अलॉन्ग विद द ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंसी की डिफिनीशन आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनिक साइज और एटॉमिक साइज, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और उनके क्या ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इनका डीप डिस्कशन हमने किया है। तो अगर आप इन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको दे रखी है। सबसे पहले इस वीडियो को देखें, और आज का जो वीडियो है बहुत ही छोटा है, 7 से 8 मिनट जाएगा, बट हाँ, आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे चीजें आप तक समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस टर्म की बैलेंसी की, तो अभी भी मतलब आप लोग 11th में पहुंच चुके हैं, 9th से ही ये टर्म आपको मिल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स में कि सर इनफैक्ट बैलेंसी होती क्या है। तो यार, इन जनरल अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंसी। बट क्या ये एग्जैक्ट डिफिनीशन है? इस डिफिनीशन से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम या एलिमेंट, इस चीज़ से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, क्योंकि बैलेंसी कितनी होगी ये चीज़ तो पता ही नहीं चल रही है। बस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यानी कि किसी एटम के किसी दूसरे एटम से जोड़ने की जो कैपेसिटी है, विच इज कॉल्ड बैलेंसी, ये सबसे जनरल डिफिनीशन है जो क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। बट यार, आज हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, डीप पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। तो बैलेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमको बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझना होगा। तो यार, बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? मान लीजिए हमने बात की फास्फोरस की, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, चलिए लिख लेते हैं 2, 8, 5, ये हमारा बोहरवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2, 8, 5, ये हमारा 15 हो गया। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसके लिए बात करें, यहाँ पे कितने सेल हैं? 1, 2, 3 सेल हैं, यानी कि अगर हम फास्फोरस के लिए ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, एक सेल बना दें, ये दूसरा सेल बना दें और ये तीसरा सेल बना दें, तो हम आपसे क्या बोलेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो स्टूडेंट सबसे बाहरी वाला सेल है, ये सबसे बाहरी सेल है, यानी कि ये जो 5 है ये सबसे बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस सेल की बात करें तो इस सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस सेल को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यार, अगर बैलेंसी को हमको डिफाइन करना है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस सेल को जानना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। अब यहाँ से हम डिफिनीशन इसकी बनाएंगे। अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है, मोस्टली स्टूडेंट डिफिनीशन क्या बताते हैं कि सर बैलेंस सेल में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर है, या डायरेक्टली कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन बैलेंस सेल इज कॉल्ड बैलेंसी। बट यार, ये कुछ हद तक सही है, बट नॉट 100% सही नहीं है। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं सही है? इसलिए नहीं सही है स्टूडेंट्स कि अगर हमने लिया, मान लीजिए नाइट्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके लिए हमने भरा तो 2 और 5 हो गया, ठीक है। अब यार, इस केस में बैलेंस सेल हमारा ये है और बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। इस अकॉर्डिंग इसकी बैलेंसी 5 होनी चाहिए, बट आप सभी जानते हैं इसकी बैलेंसी 5 नहीं होती, इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो फिर यार, किस बेस पे हम बैलेंसी की डिफिनीशन देंगे? तो आप जान लीजिए स्टूडेंट्स कि हाँ, बैलेंसी डिटरमाइन करने में ये जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है, यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ द बैलेंसी इज टोटली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में जो उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉन है, वो बैलेंसी के डिटरमिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन देते हैं, बट इनफैक्ट यही बैलेंसी नहीं होती। कुछ केसेस में ये हो सकती है, अब देखते हैं किस केस में ये हो सकती है कि जितने इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वही इसकी बैलेंसी होगी। हमने आपसे बात किया सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, हमने लिखा तो 2, 8 और 1 आया।
आउटर मोस्ट सेल हमारा ये है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, और इसकी स्टूडेंट्स जो बैलेंसी होती है वो भी एक होती है। तो सोडियम के केस में तो बात बन गई, बट नाइट्रोजन के केस में बात नहीं बनी। इट मीन्स ये डिफिनीशन हर जगह फॉलो नहीं हो सकती। तो हम इन जनरल अब ओवरऑल डिफिनीशन आपको बताएं तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ बैलेंसी। अब चलिए तो डिफिनीशन क्या होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हर इंसान को चाहिए क्या, स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढते हैं और इसीलिए सब परेशान हैं, ठीक उसी प्रकार हर एलिमेंट को क्या चाहिए केमिस्ट्री में, स्टेबिलिटी, और सारा खेल स्टेबिलिटी का है। और स्टेबिलिटी कब मिलेगी, स्टेबिलिटी तब मिलेगी जब हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उन सब की टेंडेंसी है कि उनको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हो जाएं और वो स्टेबल हो जाएं। इसलिए इसी के पीछे सब परेशान रहते हैं। तो भैया इससे क्या मतलब है बैलेंसी का, तो आप दिखाते हैं क्या मतलब है। फॉर द कंप्लीशन ऑफ दियर ऑक्टेट, कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करे या तो एक्सेप्ट करे, वो उस एलिमेंट की क्या है, बैलेंसी है। आप बोलेंगे सर ये कैसे, चलिए मैं प्रूव्ड कर रहा हूँ। हमने लिया मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन का केस, और नाइट्रोजन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा तो 2 and 5 था। अब यार एक बात बताओ, 2 and 5 लिखा, अब बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगी, और इसकी बैलेंसी कितनी है, मैंने बताया ना इसकी बैलेंसी 3 है। तो हम यहाँ से ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलिए दूसरा केस लेते हैं। हमने यहाँ पे फिर से ले लिया सोडियम का केस, यहाँ पे 2, 8, 1 हमने लिखा, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। या तो ये यहाँ पे हम यहाँ से 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे सोडियम, और या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो यहाँ पे 8 बचेंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो एक बात बताइए, 7 लोगों को अपने घर बुलाना सही रहेगा कि 1 लोग हम अकेले हैं खुद उनके घर चले जाएं, वो सही रहेगा। यार 7 लोगों की वजह 1 लोग चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा ना, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करके सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ से डिफिनीशन क्लियर हुई कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएं या एक्सेप्ट किए जाएं वो क्या है, उसकी बैलेंसी है। हाँ, बट बैलेंसी डिटर्मिनेशन में सबसे ज़्यादा इसेंशियल है बैलेंस सेल में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी से हमको पता चलेगा कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या लिए जाएंगे। तो आई होप आपको डिफिनीशन क्लियर हुई, मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। बैलेंसी की 2 डिफिनीशन है, आप इनसाइट लिख सकते हैं। पहली डिफिनीशन हमारी होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंसी, बट ये पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं देगी आपको। बात करें दूसरी डिफिनीशन की, तो किसी भी एलिमेंट के द्वारा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएं या एक्सेप्ट किए जाएं वही उसकी क्या है, बैलेंसी है। क्लियर, बैलेंसी डिटर्मिनेशन में बैलेंस सेल का बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। बैलेंसी टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और एग्जाम्पल के लिए मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल दे दिए, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या चाहिए भैया, उनको ऑक्टेट अपना कंप्लीट चाहिए, किस लिए, फॉर द गेन स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं कि ये जो बैलेंसी होती है ये अलोंग विथ पीरियड कैसे वेरी करती है, और अलोंग विथ ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पर कैसे वेरी करती है। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम आपको दिखाते हैं कि ये पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरी करती है। अब हम देखते हैं कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बैलेंसी में क्या वेरिएशन आएगा, यानी कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि सबसे आसान हमारा क्या है, सेकंड पीरियड। तो यार सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो एलिमेंट का नाम हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान को भी लिख दे नहीं तो आप लोग गुस्सा होने लगेंगे, ठीक है ना। अब बात करें अगर इसके एटॉमिक नंबर की, तो यार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरे कलर से लिख दें और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की।
तो चलिए ठीक है, इसका बात करें तो 2 एंड 1, इसकी बात करें तो 2 एंड 2, इसकी 2 एंड 3, इसका 2 एंड 4, ठीक है, इसका 2 एंड 5, इसका 2 एंड 6, 2 एंड 7, 2 एंड 8। अब मैंने अभी आपको बताया कि जितने एलिमेंट हैं उनको क्या चाहिए, अपने ऑक्टेट कंप्लीट, और उसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे यार एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देना तो ये फिर स्टेबल रहेगा, क्योंकि दो ही बचेंगे आउटर मोस्ट सेल में, और ये किसका हो जाएगा, हीलियम का क्या पास जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो ये क्या करेगा, इसकी बैलेंसी एक होती है, हम यहाँ पे बैलेंसी भी लिख दे रहे हैं, कैसे एक होगी, क्योंकि इसके ज़्यादा स्टेबिलिटी साथ लेना पड़ेगा अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और एक देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ यार, देना साथ साथ लेना आसान है कि एक देना आसान है, एक देना, तो इसकी बैलेंसी एक हो गई, इसने एक अपना ये निकाल दिया, ठीक, यानी कि ये इसको कट कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक। बात करें बेरिलियम की तो यार यहाँ पे भी वही केस लगेगा, या तो ये 6 ले तब 8 होगा, 2 है ना, और या तो ये 2 निकाल दे तो 2 बचेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पास आएगा। तो ये क्या करेगा, ये भी माइनस कर देगा, इसकी बैलेंस यहाँ पे 2 हो गई, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बोला भैया लेते जाओ हम स्टेबल हो जाएंगे। बात करें बोरान के केस में, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या तो ये 3 में 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो ऑक्टेट इनका कंप्लीट होगा। तो एक बात बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, मुझे लग रहा है 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे भी माइनस लगा। अब बात करें स्टूडेंट्स कार्बन की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन के केस में भैया 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, या तो ये 4 दे दे या तो ये 4 ले ले, दोनों ही केसेस में बैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी, यानी कि यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। प्लस कहाँ करेंगे मैं बता दूँ, लेंगे कहाँ, CCl4 में ये लेते हैं, और देते कहाँ हैं, CH4 में ये देते हैं, तो दोनों का एग्जाम्पल उपस्थित है, बट इसकी जो बैलेंसी होगी वो तो 4 ही होगी। बात करें नाइट्रोजन की, तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और पास आए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, प्लस 3, यानी इसकी बैलेंसी 3 हो गई। बात करें ऑक्सीजन की, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसकी इसको 2 लेने पड़ेंगे, यानी कि 2 इसकी बैलेंसी हो गई। बात करें फ्लोरीन की, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, केवल एक कोई आ जाए तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी बैलेंसी 1 हो गई। और नियॉन के केस में यार कंप्लीट ही कंप्लीट है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 0। अब स्टूडेंट्स हम सेकेंड पीरियड में क्या देख रहे हैं, कि जो हमारी बैलेंसी है 1 to 4 इंक्रीज की, उसके बाद फिर डिक्रीज की 0 तक, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वैलेंसी इंक्रीजेज 1 to 4 एंड आफ्टर डिक्रीजेज अप टू 0, यानी कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर 1 से 4 तक बैलेंसी इंक्रीज होती है, आफ्टर दिस 0 तक डिक्रीज होती है। और आप सभी को मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जो हमारे नोबेल गैस होते हैं, जो हमारे 0 ग्रुप होते हैं, जो हमारे इनर्ट गैस होते हैं, उनकी बैलेंसी 0 होती है। क्वेश्चन पूछता है क्यों, क्योंकि यार उनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वो स्टेबल है, उनको कोई नीड नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन देने की। यही क्वेश्चन दोबारा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि नोबेल गैस कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, तो आंसर आपके सामने है। तो ये हुआ हमारा अलोंग विद द पीरियड। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पे बात कर ले रहा हूं ग्रुप के केस में क्या होगा। अब ग्रुप के केस में अगर हम आपसे बात करें, तो ग्रुप का मतलब ये ऊपर से नीचे, यानी कि टॉप टू बॉटम। तो चलिए कोई एक ग्रुप हम लोग लेते हैं पहला ग्रुप, ठीक है। अगर पहले ग्रुप की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, इतना ही ले ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हमको समझ में आ जाएगा क्या ट्रेंड्स है। अगर बात करें स्टूडेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम की, तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19, यहीं तक बात क्लियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, बैलेंसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका होगा 2 और 1, इसका होगा 2 8 1, इसका होगा 2 8 8 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में
एक इलेक्ट्रॉन है, सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, तो या तो ये भैया सात इलेक्ट्रॉन ले ले और या तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, तो आसान क्या पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, यानी कि इन सभी की बैलेंसी एक होगी। और बैलेंसी क्यों सारी की सारी एक होगी, हम यहाँ से एक आइडिया बता सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर बैलेंसी सेम रहती है, कोई वेरिएशन नहीं होता। आपका क्वेश्चन सर क्यों सेम रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सेल में, नंबर ऑफ बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल इज इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो होती है वो बढ़ती तो जाती है बट आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दिस रीजन इट्स बैलेंसी रिमेन सेम ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। अब बात करते हैं कि सर ये जो आपने बताया कि पीरियड में 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 0 तक डिक्रीज होती है और ग्रुप में सेम रहती है, ये किस किस ब्लॉक के लिए है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये यस ब्लॉक के लिए है और पी ब्लॉक के लिए है, डी ब्लॉक और यफ ब्लॉक के लिए ये नहीं है। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं है, क्योंकि डी और यफ ब्लॉक स्टूडेंट्स हमारी वेरिएशन बैलेंसी शो करती है, वेरिएबल बैलेंसी शो करती है। वेरिएबल बैलेंसी का मतलब क्या है, वही एलिमेंट कहीं पे +4 दिखाएगा, कहीं पे +5, कहीं पे -3, कहीं पे -2, ऐसी टाइप की जो बैलेंसी होती है विच इज कॉल्ड वेरिएबल बैलेंसी। तो ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल बैलेंसी शो करती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बैलेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। तो आज हम लोगों ने टोटल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट की पीरियोडिक टेबल चैप्टर से और उनके ट्रेंड्स को। एक लेक्चर और है एनोमलस बिहेवियर ऑफ द सेकेंड पीरियड, उसको देख के देन ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो यार कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।